Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are good and fine and you are safe and sound at your homes by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay student, in the previous lecture we have started our new chapter, that is chapter number 4. So we were reading our chapter and I have given you a few questions. I have told you to find out the answer of these questions. So open your books, open page number that is page number 50. Okay, here on page number 50 our chapter is electrical circuit. We have seen some devices which are used as energy changer, and we have also read about conductor and insulator, and I have given you these 4 questions to be solved. Okay, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए. होप सो आप लोगों ने कोशिश, एटलीस्ट कोशिश की होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज दोज मटेरियल्स. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या करते हैं? वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, नेम 3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड 3 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के नाम बताएं. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में आपके मेटल्स ग्रेफाइट और कार्बन आ गया. ठीक है, मेटल्स ग्रेफाइट एंड कार्बन, और आपके इंसुलेटर में ग्लास, रबर एंड वुड आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई प्लग सॉकेट्स एंड स्विचेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक. प्लग सॉकेट्स और स्विचेस को प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक का इंसुलेटर प्लास्टिक इंसुलेटर है, एंड इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता कि वो पास हो, इसलिए प्लग, स्विच और सॉकेट्स जो हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं. ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, टू वायर्स एंड अ बल्ब. दिस इज़ द सिंबल ऑफ बैटरी. ये बैटरी का सिंबल हो गया, ये 2 वायर्स हो गई, और ये बल्ब हो गया. ठीक है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब. ये बल्ब हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और ये आपकी 2 वायर्स हो गई. ठीक है, ओके, व्हाट कुड यू ऐड टू दिस सर्किट. इस सर्किट में क्या ऐड करोगे टू कंट्रोल द बल्ब, बल्ब को ऑन एंड ऑफ यानी कि कंट्रोल करने में? तो डेफिनेटली आप स्विच यूज़ करेंगे. ठीक है, स्विच ऐड करेंगे इसमें. सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आंसर है आपके इन क्वेश्चन के. स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं PDF फॉर्म में जो क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आपने जस्ट वही कॉपी में उतारने हैं. और अब मैं नाउ एंड ऑनवर्ड मैं आपसे बाकी क्वेश्चन जो हैं वो वर्बली डिस्कस कर लूँगी. जो कॉपी में उतारने होंगे वो मैं आपको PDF के फॉर्म में आपको सेंड कर दूँगी, ताकि आपका सबका कॉपी वर्क सेम रहे. वरना आप लोग रैंडम, मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको रिटन फॉर्म में शो करती रही हूँ, तो आप लोग सबको अपनी कॉपी में उतारते रहे हो. आपको अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन नहीं उतारने, फ्यू क्वेश्चन उतारने हैं. डिस्कस मैं आपसे सारे क्वेश्चंस करूँगी, लेकिन जो कॉपी में उतारने हैं उसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी. सो नो नीड टू बी वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अबाउट योर कॉपी वर्क. लेट्स स्टार्ट अवर टू डेज टॉपिक, दैट इज़ मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मजीद जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग, सो फोकस ऑन योर बुक्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर मेड अप फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को मिलाकर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट हैं दैट कैन बी यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं. द टेबल शोन आर फ्यू ऑन दम, उसमें से कुछ जो कंपोनेंट्स उसको शो किया गया. देखिए, वायर है, वायर का सिंबल लाइन है. सेल एंड बैटरी का सिंबल ये है, एक लाइन बड़ी और एक छोटी. लैम्प का और बल्ब का सिंबल ये है. मोटर का सिंबल M और उसके नीचे डैश. बेल का सिंबल ये है. बजर का जो सिंबल है वो ये है. स्विच जो है उसका सिंबल ये है. दीज आर द सिंबल विच वी आर यूजिंग इन आर
सर्किट डायग्राम, ठीक है। हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्योंकि हर एक की ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो हम ये चीज़ें ड्रॉ करने की जगह उनके सिंबल्स ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। देखें स्विच को इस तरह ड्रॉ किया गया, हेयर इज़ द स्विच सिंबल, ठीक है। ये देखें सेल और बैटरीज हैं, ये देखें बल्ब का सिंबल है, और ये वायर लाइन जो है वो वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को आपस में जोड़ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करेक्टली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके कंपोनेंट्स को एक्यूरेटली या करेक्ट फॉर्म में जोड़ना, ठीक फॉर्म में जोड़ना, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके। या इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने के लिए सर्किट कनेक्शन मस्ट बी क्लीन, सर्किट के जो कनेक्शन हैं वो लाजमी साफ़ होने चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस, और ग्रीस फ्री होने चाहिए, उस पर ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए, एंड डर्ट यानी कि उस पर धूल मट्टी और डर्ट नहीं लगी होनी चाहिए, ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए। कॉपर वायर्स, कॉपर की जो वायर्स हैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, सून गेट डल, बहुत जल्द डल हो जाती हैं इफ़ दे आर लेफ्ट फॉर अ वाइल, उसे अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर धूल मट्टी चिपकना स्टार्ट हो जाती है। मोर स्विचेस, मज़ीद स्विचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्विचेस टर्न इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑन एंड ऑफ, स्विचेस क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ऑन एंड ऑफ करते हैं। द स्विच शो इन द टेबल हैज़ टू पोजिशन ऑन एंड ऑफ, जो स्विच आपको दिखाया गया है उसकी दो पोजिशन है ऑन एंड ऑफ की, ठीक है। देयर आर हाउएवर अदर टाइप ऑफ स्विचेस, और भी टाइप के स्विचेस पाए जाते हैं। अब बेल पुश स्विचेस नॉर्मली ऑफ, बेल पुश जो स्विच है वो नॉर्मली क्या होता है, ऑफ होता है। इट इज़ ऑनली ऑन, वो सिर्फ ऑन उस वक्त होता है व्हेन इट इज़ प्रेस, जब बेल का बटन दबाया जाता है। व्हेन द प्रेशर इज़ रिमूव, जब उस बटन के ऊपर से प्रेशर रिमूव किया जाता है। अ स्प्रिंग कनेक्ट रिटर्न्स द स्विचेस टू ऑफ, तो वो जो स्प्रिंग होता है, देखिए आप बेल पुश करेंगे स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग अटैच हो जाएगा, कनेक्शन कंप्लीट होगा तो बेल रिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप बटन से हाथ हटाएंगे तो स्प्रिंग का जो कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनेक्ट था स्प्रिंग, पुश किया तो स्प्रिंग ने पुश किया, वो इसके साथ अटैच हो गया। जब आप हाथ हटाएंगे तो स्प्रिंग दूर हो जाएगा और कनेक्शन, देखें आप स्प्रिंग को पुश करेंगे, बटन है आपका, तो ये इसके साथ पुश करेगा, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, आपकी बेल रिंग करेगी, यानी कि कनेक्शन कंप्लीट हो गया, बेल रिंग करेगी। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर रिलीज़ करेंगे बटन के ऊपर से, स्प्रिंग पीछे हो जाएगा और स्पेस आ जाएगा दरमियान में, तो बेल बजना बंद हो जाएगी। ओके, वन मोर स्विच इज़ रीड स्विच, ठीक है। आ रीड स्विच इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट, रीड स्विच किस तरह ऑपरेट होता है, मैग्नेट से ऑपरेट होता है, इट इज़ अ रीड स्विच, ठीक है। इसके दरमियान वायर होती है और दरमियान में जो वायर जो दो हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं होती, ठीक है, वो तब अटैच होंगी जब मैग्नेट उनके करीब आएगा। व्हेन अ मैग्नेट इज़ हेल्ड क्लोज टू द स्विच, जब मैग्नेट को स्विच के क्लोज किया जाए, द कनेक्ट क्लोज, जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाते हैं, एंड द स्विच इज़ ऑन, और स्विच ऑन हो जाता है। द स्विच इज़ ऑफ व्हेन द मैग्नेट इज़ रिमूव, जब मैग्नेट को रिमूव कर दिया जाता है स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। रीड स्विचेज़ आर वेरी यूजफुल इन बर्गलर अलार्म सर्किट, अलार्म सर्किट यानी कि आपके डोर्स और विंडोज़ पर यानी कि ये स्विच लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि अलार्म सर्किट अलार्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। आ रीड स्विच इज़ फिक्स टू आर डोर, रीड स्विच जो है वो डोर के साथ फिक्स किया जाता है, और विंडो फ्रेम या विंडो फ्रेम के साथ फिक्स किया जाता है। एंड अ मैग्नेट इज़ फिटेड ऑन टू द डोर, और मैग्नेट को डोर के साथ फिक्स किया जाता है या विंडो के साथ फिक्स किया जाता है, ठीक है। इफ़ द डोर और विंडो इज़ ओपन, या डोर और विंडो जब ओपन होगा, द स्विच कनेक्ट ओपन, स्विच के कनेक्शन क्या होंगे, ओपन होंगे, एंड द अलार्म इज़ सेट ऑफ, और अलार्म क्या होगा, बंद होगा। देखिए ये देखें, इसके अंदर इस तरह दो वायर्स होती हैं जिसके कनेक्शन दूर दूर होते हैं, जब मैग्नेट इसके करीब आता है तो ये कनेक्शन अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये अटैच होंगे तो ऑन हो जाएगा, जब मैग्नेटिक दूर होगा तो कनेक्शन कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, आपका ऑफ होगा, ठीक। रीड स्विच जस्ट आपकी दो वायर्स होती हैं जो इस तरह कनेक्शन में होती हैं, लुक, ठीक। मैग्नेट इसके करीब आएगा तो ये वायर्स आपस में अटैच हो जाती हैं, जब मैग्नेट दूर किया जाएगा तो ये वायर एक दूसरे से दोबारा से अगेन दूर हो जाएंगी, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ हियर डिड यू नो इन सम स्विचेस द कनेक्ट
कॉन्टैक्ट्स आर प्लेटेड विद गोल्ड और सिल्वर। कुछ स्विचेस में जो कनेक्शन है जो उसे प्लेटेड कर दिया जाता है उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की लेयर चढ़ा दी जाती है। दे डू नॉट क्रोडेड एज ईजीली एज कॉपर। वो बहुत जल्दी क्रोड नहीं होते जितना कॉपर होता है या ब्रास होता है, तांबा या कॉपर होता है। सो दे आर मोर रिलायबल एंड लास्ट लॉन्गर। इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। जल्दी से क्रोट नहीं होते, ख़राब नहीं होते जल्दी से। ओके, हियर इज टेस्ट योर सेल्फ। ड्रॉ द सिंबल फॉर बल्ब, बल्ब मोटर बजर और बेल के लिए सिंबल ड्रॉ करें। लेस द एनर्जी चेंजेस डेट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। एनर्जी चेंजेस लिखें इन कंपोनेंट्स में। बजर में क्या होता है, लैम्प में क्या होता है, यानी कि आप इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है और ये किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लैम्प किस में कन्वर्ट करता है, मोटर किस में कन्वर्ट करती है और बैटरी किस में कन्वर्ट करती है। ओके, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्लीन। क्यों ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को साफ रखा जाए। वट इज़ द इंसुलेटर बिटवीन द कनेक्ट्स ऑफ अ बेल पुश स्विच व्हेन इट इज़ ऑफ। बेल जो पुश स्विच है उसके दरमियान उनके कनेक्शन के दरमियान इंसुलेटर के तौर पे क्या वर्क कर रहा है। एक्सप्लेन हाउ आर रीड स्विच वर्क। एक्सप्लेन करें रीड स्विच किस तरह वर्क करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप नेट से सर्च करें रीड स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, और उसको वॉच आउट करें। किसको? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रीड स्विच। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रीड स्विच, ठीक है। ये आपको सर्च आउट करना है और फाइंड आउट करना है कि रीड स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या रीड स्विच किस तरह वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आर रीडिंग। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।